सर, हवा महल से अभी आपकी यात्रा निकलेगी, हवा महल से महज उसे की जगह आरा तिवाड़ी को मौका मिला है। मेरे को मालूम है कि मेरे को महेश जोशी जी ने कहा था कि इसको प्रेसिडेंट बनाओ, ये पैदल चलने वाला हमारा कांग्रेस का वर्कर है जी। शांति धारीवाल को लेकर क्या किया जा सकता है, नारा चल रहा है उनसे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, आप देखते हैं कि हमारे युवा नेता उनका पहले लिस्ट में आया, फिर दूसरों का आया। ऐसे हम जो कद्दावर नेता हैं उनको हमने जैसे जैसे उनकी है उसी टाइप से हमने ज्वाइन उनके नाम अनाउंस कर दिया। आज गृह मंत्री अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आए हैं, फिर वो लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, लाल डायरी इनके पास है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, क्यों नहीं एक्शन लिया आज तक, तीन साल पहले क्यों नहीं एक्शन किया? इस वक्त हमारे साथ राजस्थान प्रभारी सुजन सिंह रंधावा है। सर, इस उम्र में ये जोश देखने को मिल रहा है आपका, क्या बात है? मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? मैं वो कर जी जी। देखिए, जब वर्कर्स में जोश होता है तो लीडर में अपने आप जोश आता है जी सर। और जहाँ के जो वर्कर्स हैं राजस्थान के, उनमें जोश भी है और होश भी है जी सर, दोनों का मिक्स मैच है, तालमेल है और पूरा वो तालमेल कर रहे हैं जी सर। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जी सर, लोग आज देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं, लोगों ने एक भी लोग ने जब प्रेस वाले ने जी मेरे को नेगेटिव कोई क्वेश्चन नहीं आज तक किया जी सर, यही कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम अच्छे हैं। तो जब ये बात हो तो ऑब्वियसली वो लोग रिपीट उनको उस गवर्नमेंट को करते हैं। सर, आज गृह मंत्री नागौर जिले की नावा में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आए हैं, फिर वो लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, लाल डायरी इनके पास है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है और मेरे ख्याल तीन साल से लाल डायरी का प्रोग्राम चल रहा है। तो वो क्यों पाठ कर रहे हैं लाल डायरी से, क्यों नहीं एक्शन लिया आज तक, तीन साल पहले क्यों नहीं एक्शन किया जी सर? क्या है उसमें, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सामने लेकर आ रहे जी सर? सिर्फ एक स्टेज पर बोलना, कहाँ लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? कमाल है, इतने बड़े जहाँ सरदार पटेल बैठे थे जी, उनकी घर में जरूर रखनी चाहिए कि एक लोह पुरुष की चेयर पर बैठे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, इस बार राजस्थान का मुकाबला कांटे का रहेगा, जो रिवाज है वो आपकी बार टूटता हुआ दिख रहा है या टूट सकता है, ऐसे कैस लाए जा रहे हैं, जो सियासी पंडित है वो दावा कर रहे हैं कि आपने अपने मन की बात कह दी कि टूटने जा रहा है, पता नहीं कैसे आपके मुँह से निकल गया टूटने जा सकता है या वही। देखिए, गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है जी। लोग उसके अगेंस्ट, ये पहली बार मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात नहीं जी। और लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत ने काम किए हैं और ऐसे काम किए हैं जो लोगों की भलाई के लिए हैं, लोगों के हैं, गरीबी के सतह से जो नीचे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में माना जा रहा था कि शांति धारीवाल को लेकर क्या किया जा सकता है, शांति धारीवाल की सातवीं सूची में नाम आ गया देखने को मिल गया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, हाईकमान नारा चल रहा है उनसे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, आप देखते हैं कि हमारे युवा नेता उनका पहले लिस्ट में आया, फिर दूसरों का आया। ऐसे हम जो कद्दावर नेता हैं उनको हमने जैसे जैसे उनकी है उसी टाइप से हमने ज्वाइन उनके नाम अनाउंस कर दिए। और धारीवाल जी को पहले ही पता था कि उनकी टिकट क्लियर है, वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे जी। सर, हवा महल से भी आपकी यात्रा निकलेगी, हवा महल से महज जोशी की जगह आरा तिवाड़ी को मौका मिला है। देखिए, महेश जोशी जी हमारे पुराने लीडर हैं, एमपी भी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बहुत पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं जी। तो वह कहीं ना कहीं कांग्रेस दूसरों जो पुराने हमारे नेता हैं जिनको हम कहते हैं कि इनको भी मौका मिलना चाहिए जी। और मेरे को मालूम है कि मेरे को महेश जोशी जी ने कहा था कि इसको प्रेसिडेंट बनाओ, ये पैदल चलने वाला हमारा कांग्रेस का वर्कर है जी। तो हमने मान सत्कार एक वर्कर को दिया है जी। तो ये हमारे साथ थे सुखजीत सिंह रंधावा, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में आपकी बार टक्कर होगी, टक्कर क्या कांग्रेस आएगी दावा किया है। अब देखते हैं कि जो ये जनता पीछे दिख रही है, राजस्थान की जनता क्या तय करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।